भागलपुर समेत पूरे बिहार में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के किनारे बसे गांव में पानी घुस जाने से सभी ग्रामीण सूखे की ओर पलायन कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागलपुर के नाथनगर दियारा के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नाव के सहारे सभी ग्रामीण अपने पशुओं व सामान को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित तिल्हा कोटी पहुंच चुके हैं। सैकड़ों परिवारों ने तंबू लगाकर वहां डेरा डाल लिया है। घर में पशु के साथ पूरा परिवार रह रहा है। एक सप्ताह पूर्व से लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक सरकारी मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। नाथनगर के दिलदारपुर से आए बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि तंबू लगाकर रह रहे हैं। विधायक और CO आए थे, बोलकर गए हैं व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला है। चूड़ा और सत्तू खाकर किसी तरह रह रहे हैं। कुछ हेलो रहे CO मैडम जो बोलते हैं मैडम, तू आया तो 5-6 दिन से है। 5-6 दिन में बोला कि पूछा कि बिजली दीजिए, पानी दीजिए, भोजन दीजिए, कब का हो रहा अभी हो ये रहा। टोटल लोग तो मोटा मोटी रखे 2000 के लमसम हो गया हमारे बस्ती से। 2000 हर साल यही हाल। अपना भोजन पशु सब भंसी गए। जो पशु पक्षी जितना भी रहे जानवर के चारा आदमी गेहूँ मकई ड्राम राम सब भंसी चुकल है। पशु का पशु 2 दिन से भुखले है और आदमी तो कोई ठिकाने नहीं है के कहाँ छे कहीं कोई देखे सुने ले लो। नहीं विधायक जी एलो छे कि हाँ ये नया जो विधायक राजद के तरफ से जितलो चलो रहे बोल रखे कि कल परसों आप लोगों को व्यवस्था हो जाएगा, पशु का चारा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं लोग सिर्फ कही के गले से। पशु यहाँ पर 10 दिन से रह रहे हैं, 10 दिन से ऊपर से रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई देखा सुने नहीं लो छे। हाँ कोई नहीं लो। की भोजन की करे छे? भोजन सत्तू खाए छे, गोरी गोरी सत्तू खाए छे, चूड़ा खाए छे। सरकार से अधिकारी से कोई गुहार? अधिकारी सरकार का कुछ कहल चाहे छो? हाँ कहे छे कि बिजली चाहिए, हम लोग अंधेरिया में रहते हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है, हमने सभी अधिकारियों व लोगों को अलर्ट कर दिया है। जो लोग ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं उनके लिए पॉलिथीन सीट, भोजन, मेडिकल, स्वच्छ पानी, शौचालय व मवेशियों की चारे की व्यवस्था की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के SOP के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाहर आ रहे हैं उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क नाव की व्यवस्था करने का अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है, और ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है तो पॉलिथीन सीट्स भी हम लोग दे रहे हैं, और आवश्यकता अनुसार जो भी आगे SOP के हिसाब से कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी हम लोगों ने तत्काल सिविल सर्जन को बोला है कि मेडिकल टीम भेजी जाए और सभी की स्वास्थ्य जाँच, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उन लोगों को वैक्सीनेट करा दिया जाए कोविड का, और जो भी स्वच्छ पानी शौचालय इसकी भी जो व्यवस्था होती है बिजली के द्वारा की जानी है। अगर मवेशी लेकर के लोग आते हैं तो मवेशियों के इलाज के लिए भी DHO को निर्देश दिया गया है, कल मेरी मीटिंग भी हुई थी और सभी SDO और CO को मैंने बोला है कि अलर्ट पर रहें, यहाँ भी जैसी आवश्यकता हो जो आपदा प्रबंधन विभाग की SOP है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई।